नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज आपके लिए लेकर आए बहुत ही आसान सा एक उपाय, जिसे करके आप किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर पाएंगे। जी हाँ, इस उपाय को बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। आप अपने पैर पर उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे और आप देखेंगे कि मात्र 4 घंटों में वो व्यक्ति आपके वश में होगा। जी हाँ, आपको सिर्फ एक कलम की जरूरत है इसके लिए। ये बेहद आसान कारगर उपाय है जो आज मैं आपको बताने जा रही हूं। इसमें आपको और किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ आपको एक कलम से उस व्यक्ति का नाम अपने पैर पर लिखना है। जी हाँ, अपने पैर पर आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। आपको अपने पैरों के ऊपर लिखकर ये टोटका, ये उपाय करना है। ये बहुत ही ज्यादा प्रचंड विधि है, इसको आज तक हमने सिर्फ अपने उन भक्तों को बताया है जिनको सच में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। आज हम अपने YouTube के ऑडियंस के लिए, YouTube के व्यूअर्स के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं। तो मैं आपको बताती हूं कि कैसे आप अपने पैरों पर इस मंत्र को लिखकर और किसी भी व्यक्ति को, किसी भी महिला को, किसी भी आदमी को अपने वश में कर सकते हैं। ये उपाय आदमी भी कर सकते हैं, औरतें भी कर सकती हैं, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। आपको बस करना क्या है कि आपके पैर पर आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिस भी व्यक्ति को आप अपने वश में करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप रमेश को या फिर किसी लड़की को अगर अपने वश में करना चाहते हैं, तो आप उस लड़की का नाम यहां पर इस तरीके से, मैं यहां पर लड़की का नाम नहीं लिख रही हूं, मैं यहां पर लड़के का नाम लिखती हूं और आपको बताती हूं कि किस तरह से आप उस व्यक्ति को वश में कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया है अभी इस तरह से, हिंदी इंग्लिश किसी भी भाषा में आप उस व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं। तो मैं यहां पर सोहम लिख रही हूं। आप जिस भी व्यक्ति का नाम लिखेंगे, उस व्यक्ति का नाम आपको इस तरह से पेन से लिख लेना है। आप देख सकते हैं पेन की मदद से आप इस तरह से पैर के बीचों बीच उस व्यक्ति का नाम लिख दीजिए। अब दूसरा कार्य जो आपको करना है वो मंत्र लेना है। जी हाँ, इस तरह से मंत्र को आप ध्यान से देखिए। ओम बिजु पत्ग्य कफय हुरु हुरु कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र का उच्चारण आपको करना होगा। मंत्र बेहद आसान है, आप ध्यान से देखिए। इसे आप एक कागज पर लिखकर रख लीजिए। जब आप अपना नाम पैर पर लिखेंगे, उसके बाद इस मंत्र का उच्चारण आपको करना है 111 बार। 111 बार यानी कि 111 बार आप इस मंत्र का उच्चारण कीजिए और साथ ही साथ इस व्यक्ति का नाम, जैसे कि मैंने सोहम लिखा पैर पे, तो बीच में ये जो खाली जगह है यहां पर मैं उस व्यक्ति का नाम इस तरह से लिख दे रही हूं। आपका जो भी, जिसे भी आप वश में करना चाहते हैं, उसका नाम आप यहां पर लिख सकते हैं और उसके बाद आप उस व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं। दोस्तों, तो ये मंत्र देख लीजिए एक बार दोबारा। ओम बिजु फग्य गफय सोहम हुरु हुरु कुरु कुरु स्वाहा। 111 बार इस मंत्र को जाप कीजिए और 111 बार के बाद आप देखेंगे कि ये व्यक्ति आपके वश में होगा। बस कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। वो बातें क्या है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे जरूरी बात कि ये मंत्र आपको शुक्रवार के दिन करना है, रात को 9 से 12 के बीच में आप इसे कीजिए। ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा आपको इस चीज का और ये तुरंत अगले दिन जब आप देखेंगे तो वो व्यक्ति आपके वश में होगा। ध्यान रखें, इसे अच्छी भावना के साथ करें, दुर्भावना के साथ इस उपाय को बिल्कुल ना करें। तो ये तो था आज का वीडियो। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। हम आपको दिखाएंगे बहुत सारे ऐसे ही उपाय आपके जीवन की समस्याओं को समाप्त करने के लिए। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।